हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल, खुश आमदीद, वेलकम टू अवर शो। देख रहे हैं शेफ 21। आज शेफ 21 में जो रेसिपी आपके साथ बना रहे हैं, आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो जी बीफ। बीफ गाय का गोश्त मौजूद है, बीफ। बीफ के हम चावल तो बना रहे हैं लेकिन पुलाव नहीं बना रहे, बिरयानी टाइप का नहीं बना रहे। बीफ मसाला बेक राइस, ठीक है ना। तो चावल को हमने दम अमूमन हम पतीले में देते हैं, ओवन के अंदर एक तरह से बेक करना है, तो मज़े का होगा। तैयार आप जो लोग मौजूद हैं अपनी टीवी स्क्रीन के सामने लिख लीजिए, रेसिपी नोट कीजिए और करते भी हैं आप, साथ रहते हैं हमारे साथ टीवी पे और सोशल मीडिया, फेसबुक पर भी, यूट्यूब, हर जगह रहते हैं। थैंक यू। जो लोग सवाल का सब जवाब देना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, नए लोग कॉल करना चाहते हैं तो तरीका पूछ रहे हैं क्या है, तो कॉल मुसलसल कॉल करते रहिए, सवाल बताते हैं आप। अच्छा, बीफ है, इसे गलाना है ज़रा, ठीक है। इसको गलाना ज़रा मुश्किल एक तरह से, तो ये इसके लिए हम क्या कर रहे हैं आप देख लीजिए, क्विकली सारी चीज़ को करना है। एक अदर पॉट गर्म होने के लिए रखा है, गोश्त ज़रा देख लीजिए, ठीक है जी। और ये जैसे कि आप एक बिग साइज की प्याज है, इसे काट लें, गोश्त के अंदर हमने ये प्याज ऐड किया, प्याज के साथ इसी के अंदर हम कुकिंग ऑयल 1 कप, 1 कप फुल लगभग, ये मजीद प्याज भी ऐड कर रहा हूँ इसी के अंदर, ठीक है। अब ये गोश्त और ये ऑयल और ये प्याज को इस पॉट के अंदर शामिल करें जी, इजाजत है आपकी। ये गोश्त हमारा आज का बहुत अच्छी क्वालिटी का है, चाहे गोश्त हो, सब्जी हो, कोई भी चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और अनाब मौजूद हैं, अनाब साहब सलाम आपको, शहर कराची से उन्हीं की फरमाइश में बना रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सना, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। क्या कह रही है? आपने प्याज ब्राउन नहीं करी इसमें। हाँ, ब्राउनिंग कैसे शामिल किए, सही कह रही, ब्राउनिंग कैसे शामिल किया। हेलो जी, जी जरूर 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 ट्राई कीजिएगा, बहुत मिस करेंगे हम आपका शो, नहीं आएगा जी बिल्कुल। अब पीर को इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो ये 3 दिन मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं गुजारना, सना बिल्कुल मुश्किल हो जाते हैं और आपको बहुत मिस करते हैं और रिपीट भी नहीं आता अब तो आपका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और बस ये दुआ में हम, मैं आपको याद रखता हूँ आप सबको इस 3 दिन, आप मुझे याद रखें, सारी दुआएं सर। आप इतनी अच्छी अच्छी नई नई डिशेज लेकर आते हैं, हमें सिखाते हैं, बहुत बड़ी बात है, आपके लिए ढेर सारी चलती हैं सर। जी जी शुक्रिया शुक्रिया, हमारी जानिब से भी आपको, हम आप ही हमारे आइडियल हैं सर। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू बहुत शुक्रिया, आप जो है आपका जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, और हमारी कॉलर सना ने कहा कि गोश्त को प्याज को ब्राउन नहीं किया, तो सही बात है, ब्राउन नहीं किया, ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है जी। अदरक लहसुन भी ब्राउन नहीं किया, ऐसे ही कच्चा शामिल करें इसी के अंदर, ये 2 चम्मच, ठीक है जी। पहला मरहला कैसे, क्योंकि यही वक्त होता है जो लाइव होते हैं, इसमें हमें गलाना होता है, गलाना जाहिर है, एग्जैक्टली बिल्कुल मजे के चावल हों, जायकेदार गोश्त के जब बाइट लें, बिल्कुल टेंडर हो, गला हुआ हो, तो वो करना यही आपके सामने करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए पहला मकसद है इसकी बुनाई, और इसका कच्चापन खत्म हो जाए और ये गलने लगे, गलने की जानिब जाए, तो पहले ऐसी बुनाई कर रहे हैं।
आप जैसे भी देख रहे हैं। अच्छा, ये गोश्त में कुछ हड्डियां भी नजर आएंगी। ये हड्डियों का एक मजे का फ्लेवर बनता है, हड्डियों का भी अच्छा जायका आता है। बल्कि चाहे आपका पाए हो, कोई निहारी हो, कोई भी डिश हो या चावल क्यों ना हो, हड्डियों से जायका बहुत अच्छा बनता है। ये बात सच है, क्योंकि उसका अरोमा फ्लेवर अच्छा आता है ग्रेवी के अंदर चावल। ठीक है जी, और ऐसा ही कुछ कह रहे हैं हमारे अलीजर साहब। ठीक है, बिल्कुल सच बात है जी। ठीक है जी, और बस ऐसे अगर आप बुनाई करेंगे उसके बाद जनाब हमको करना एक, हमें इसमें जरा हल्का पानी ऐड करेंगे और उसमें जरा इसको गलाने की जानिब चलना है। फिर उसके बाद दीगर मसाले ऐड करेंगे और ओवन के अंदर बना रहे हैं तो उसका अपना ही मजा। ठीक है जी, तो ये बन रहा है और ये हमारे लिए राहिल साहब ने ये क्रीमी कॉफ़ी का अपना ही मजा, और उसके ऊपर जो चॉकलेट फ्लेवर हो तो क्या ही बात है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ इस पॉइंट पर आप देख लीजिए, बिल्कुल अलग मेथड से आज बना रहे हैं हम डिश। जब ये ऑयल, प्याज, अदरक, लहसुन, कुछ देर इसकी बुनाई करनी है, बस कुछ देर, बहुत ब्राउन नहीं करना है, अलग तरीके से बना रहे हैं। उसके बाद इसमें पानी ऐड कर रहा हूं मैं, 1 कप, 1 कप पानी। ठीक है, और ये रहा हमारा कवर, 1 कप पानी, और से कीजिए अच्छी तरह से कवर। ठीक है जी, चूल्हा तेज रखें, और ये जरूर कहूंगा आपसे जो एक मेरे जिंदगी का मेथड है आपके साथ भी शेयर करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं होता कि हम कौन से टीवी चैनल देख रहे हैं, आप कोई पाकिस्तान का या दुनिया का बेस्ट चैनल है, अहम चीज ये होती है कि वो जो आपके सामने जो चीज पेश की जा रही है उसकी क्वालिटी क्या है। इसी तरह जो लोग काम करने वाले होते हैं वो भी, इसी तरह मैं ये टिप देना चाहूंगा कि जो लोग अपनी बच्चियों के, अपनी बेटियों के या बेटों की शादियां करते हैं, उनसे भी कहूंगा कि इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा कभी अमेरिका से पढ़ के आया है या बाहर ही आया है या वो लोकल है। अहम चीज ये होती है कि उसका अपना वो मेंटली उसका लेवल क्या है, उसके तजुर्बात, उसके ख्वाब, उसके जो किरदार, ये सब चीज़ें अच्छी होती है, ज़िंदगी बनती है। सिर्फ आप बाकी चीज़ें देखेंगे तो फिर शादियां भी टूटती हैं, लाइफ बर्बाद होती है। ठीक है ना, तो फैक्ट पे भरोसा रखें। ठीक है जी, और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, यानी कि कवर देख कर आप अंदाजा नहीं लगा सकते किताब के अंदर क्या लिखा है। बुनाई करें जी, जारी रखिए। ये हमारा आपसे वादा है कि ये डिश आपकी मजे की बनेगी। चावल उबाल कर रखे हुए, गोश्त को जरा गलाने के लिए रख लेते हैं। इसमें जो वेजिटेबल दही के साथ जो सब्जियां ऐड करनी है वो आपके सामने पेश करते हैं। तो यहाँ पे टमाटर भी ऐड करें, दही भी ऐड करें। टमाटर हम शामिल करने जा रहे हैं इसके इस डिश के अंदर 3 अदद। धो लीजिए, वॉश कर लीजिए, ये निहायत जरूरी होता है, इंतहाई जरूरी होता है। ठीक है जी, देखिए आप, और इसका दो दो पीस किए। ठीक है जी, अब देखेंगे, दो दो पीस करने के बाद इस तरह काट लीजिए। आज इसमें दोस्तों रफ चॉप करके ऐड कर रहा हूं, पहले स्लाइस, उसके बाद चॉप कीजिए, पहले स्लाइस और उसके बाद चॉप, उसके साथ ऐड कर रहे हैं हरा धनिया, धनिया ग्रीन कोरिएंडर ऐड तो नहीं करें, काट रहे हैं, ये धनिया भी कट रहा है जी।
ठीक है, और क्या क्या हुआ जी? धनिया, टमाटर, मिर्चें जो ऐड करनी है। मिर्चों से हम अपने चावल का एक मजे का जायका लाएंगे। मिर्चों से ये मिर्चें बहुत मजे की होती हैं, खास होती हैं, बहुत अच्छा जायका लाती हैं। इस तरह मिर्चें भी काट दीजिए, एक मिर्च, एक और दो। मिर्च का ये जो हिस्सा होता है ना आगे वाला, जो इतना तेज नहीं होता, लेकिन इसका जो फर्ज की ये हिस्सा इतना तेज नहीं होता। मिर्च जब इस जगह पहुंचती है यहाँ पे, ये हिस्सा बहुत तेज होता है, बहुत स्पाइसी होता है। ठीक है, तीन दो, और ये तीसरी मिर्च। तो और उसके बाद एक और मिर्च, वन मोर, चार मिर्च ऐड करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कहा जा रहा है एक और मिर्च, तो देखिएगा कि हमारे पास लाल मिर्च भी और बाकी चीजें मौजूद हैं। तो चलिए, एक आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कीजिएगा। टमाटर कट गए, धनिया कट चुका है, प्याज कट चुका है, गोश्त गल रहा है, चावल बॉयल है, दही, सामान, मसाले सब मौजूद है, खाने वाले भी मौजूद है। ठीक है, तो अब इसकी करते हैं मजीद भुनाई। आप क्या कीजिएगा, आप हमारे जो दोस्त मौजूद हैं, एक चीज आप जो सीखते हैं कुकिंग, एक कुछ लोग तो तफरी के लिए देखते हैं, उनको मजा आ रहा होता है देखकर, कुछ लोग सीख रहे होते हैं, जो लोग सीख रहे होते हैं उनसे कहूँगा आप क्या कीजिएगा कि गोश्त को जब गलाने का वक्त आता है तो ऑयल के अंदर भुनाई करते हैं, उसमें बेफ इतनी जल्दी नहीं गलता, बाज उसका सख्त हो जाता है। गलाने का ये तरीका है, ज़रा पानी ऐड करो, उसे गला रहे, बल्कि सब मजीद गला रहे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मजीद प्रोसेस होगा। तो एक वक्फा ब्रेक के बाद यहीं आपको हम खुशामदीद कहेंगे, आपको ज़बरदस्त ब्रेक रखोगे जी। ठीक है जी, बीफ बेक मसाला राइस, ब्रेक दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, आप यादों में रहना, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात करना। वेलकम बैक टू अवर शो। आज बीफ बेक मसाला राइस हो रहे हैं तैयार, और हमने इस बात को हतमी बनाया, कोशिश की कि बिटवीन द ब्रेक कवर ना आटा है, क्योंकि गोश्त को गलाना है, मज़ेदार बना लें, गोश्त गलावा नहीं होगा, मज़ा आएगा नहीं। तो हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक है जी, तो बस चलते हैं। गोश्त जानी भी गोश्त, कितने चले थे जाने भी मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, जाने भी गोश्त और कवर हटाते। क्या बात है। ठीक है जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन बात कर रहे हैं आप? सर इमरान बात कर रहा हूँ, कराची से। इमरान साहब कैसे हो आप, खड़े थे? अल्लाह का शुक्र है। हजरत मुझे ये बताएं कि अल्लाह का भला करे कि हम लोग सादी चावल घर में पकाते ना, जी जी, इकट्ठा बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इस्तेमाल कर सादी चावल जो रोजमर्रा की जिंदगी में पकाते ना घर में, तो वो ना वो इकट्ठा बन जाते हैं। अच्छा, शामी कबाब ना? शामी कबाब नहीं, सादे चावल। अच्छा, सादे चावल, हाँ हाँ। इसका भाईजान, इसका तरीका ये कि आपने उबले हुए राइस के लिए आप, या पुलाव के लिए? ये सादे चावल जो रोजमर्रा में सालन चावल में खाते हैं, पुलाव हो गया, सही सही, सब में इकट्ठा बन जाते हैं। अच्छे से अच्छे चावल इस्तेमाल करके देख लिया हमने। अच्छा अच्छा, चले इमरान भाई आपको ऑनर बताते हैं, शुक्रिया।
ठीक है जी, उन्होंने कहा कि अच्छे से अच्छे चावल बनाते हैं लेकिन वो उसमें गुठली बन जाती है, खराब हो जाते हैं। दुनिया का महंगा तरीन चावल आप ले आए लेकिन अगर आप पकाना नहीं जानते खराब हो जाएगा। इट इज़ दैट सिंपल है ना। अच्छा, उबले में चावल का तो आसान तरीका होता है, पानी में चावल ऐड किया, जीरा ऐड कर लिया, नमक। अब इमरान भाई चेक कर लिया करें कि चावल खा कर, ये तरीका होता है। अच्छा उबला हुआ तो आसान हो जाती है काफ़ी चीज़ें, चाहे फिर बिरयानी में ऐड कर लें, बाकी चीज़ों में पानी रखें, चावल ऐड करें, नमक उबलने दें और चेक कर लिया करें। आप गोश्त की भुनाई के बाद इसमें ऐड करते हैं कुछ मजीद चीज़ें। अब क्विकली इसका प्रोसेस रखना है। इसमें हम टमाटर शामिल कर रहे हैं, 3 अदद टमाटर जो कटे रखे थे, और टमाटर के बाद सॉल्ट। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं कैमरे की नजर से अगर अंदर तक, तो नमक हसबे जायका, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच चाय कप, लाल मिर्च जरा सी कम रखिएगा 1/2 चम्मच क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी ऐड करनी है, हरी मिर्च भी, गरम मसाला पाउडर ये भी 1 चम्मच चाय कप, ठीक है। ये जरा कीजिए मिक्स। मिक्स से पहले जो दही है 2 कप, ये 3 कप इसके अंदर है, 2 कप लगभग 2 कप दही ऐड किया, हल्का सा धनिया और कुछ हरी मिर्चें, और अब इसकी जरा मिक्स कीजिए, भुनाई कीजिए अच्छी तरह से ताकि दही टमाटर खुश्क स्पाइस ये सब चीज़ों का जायका ये हमारे गोश्त के अंदर अच्छे जी। देखें ठीक है जी, और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद प्रोसेस जारी, चूल्हा ज़रा कम रखेंगे, अब नॉर्मल आंच पर धीमी आंच पर से पकाएंगे। अब ठीक है जी, फिर से देखिए हमने क्या किया था, गोश्त था गाय का गोश्त या बछड़े का भी ले सकते हैं आप, उसमें हमने प्याज ऑयल मिलाया या ऐड किया, कच्चा प्याज भी कच्ची थी, हल्की सी भुनाई की, अदरक लहसुन ऐड किया, दोनों को ब्राउन नहीं किया था ना, अदरक लहसुन को ना प्याज को, और उसके बाद टमाटर, दही मिलाया अभी इस वक्त, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, एक तरह से बिरयानी का मसाला कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो ये ओवन में बेक होगी तो अलग ही इसमें टच होगा, अलग ही टेक्सचर, प्रोसेस, मेथड, जायका सब कुछ अलग होगा। बस यहाँ गोश्त गला लीजिए, यहाँ पे ओवन हमारा रेडी है, चावल भी हमारे हैं तैयार, तो अभी कुछ देर है तो इसे हम ज़रा कुछ देर मज़ीद रखते हैं खामोशी, मतलब लेट इट कुक, इसे पकने दीजिए। अच्छा ठीक है ना, और मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है इसे ज़रा गोश्त को गला देने देते हैं, और एक सलाद की जानब चलते हैं, सैलड, सैलड ठीक है ना, टू वर्ड सैलड चलते हैं, और अगर हो सकता है एक आध कॉल भी आपकी शामिल कर लें तो आप कॉल कर सकते हैं क्विकली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कॉल मत करें आप। अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। कौन? अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब कैसे हैं, खैरियत है? अल्लाह करम। सर आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। आज देखिए मर रहे, क्या कह दिया? कोरमा बनाता हूँ तो मेरा कोरमा थोड़ा काला काला हो जाता है, उसकी वजह बताएं क्या हो सकती है? कौन सा, बीफ का? जी जी, बीफ कोरमा बनाता हूँ ना मैं, जाफरानी, तो थोड़ा काला काला क्यों हो जाता है? मैं बिल्कुल सही बनाता हूँ। तो आप कैसे बनाते हो, क्या करते हैं? अब्दुल्ला भाई आप क्या करते हो, कैसे बनाते हो? मेरी वालदा मेरे साथ नहीं है, वालदा से पूछ रहे जरा। जी जी जी। हाँ बेटे, ये बनाता है ना कोरमा काला होता है, आप लोगों का कोरमा बहुत अच्छा होता है, इसको रेसिपी बता दे मेरा। अच्छा, आप जब बनाती है तो कैसा बनता है? ये बनाता है ना तो काला काला होता है, तो बेटे इसको बता दो कैसे बनाना।
अच्छा अच्छा जी 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 अब्दुल्ला भाई हेलो थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। और हमें अंदाजा है कि कितने आप दिल से पूछ रहे हैं, कितनी सच्चाई आपके लफ्जों में। ऐसा होता है लोग बहुत मोहब्बत करते हैं जी, कभी भी रेडियो पे होता है वहाँ लोग गिफ्ट लेके आ रहे होते हैं न जाने क्या, तो ये मोहब्बत है आप सबकी। तो सिंपली देखिए आपको एक दो चीज़ें सिर्फ शेयर करूँगा आपके साथ। एक तो एज फार एज कौरमा इज कंसर्न, पहले आप प्याज को ब्राउन करके निकाल लें, पीस कर रख लें आप ठीक है। यहाँ आपने क्या करना है कि नॉर्मल बनाइए, ऑयल में अदरक लहसुन ऐड किया, गोश्त और गला लीजिए, उसके बाद उसमें दही कौरमे के सब मसाले तैयार कर लीजिए। गरम मसाला आखिर में कीजिएगा, गरम मसाला पहले शामिल करने से भी कौरमा काला हो, कोई भी सालन काला हो जाता है ठीक है। गरम मसाला आखिर में कीजिएगा और प्याज भी आखिर में कीजिएगा, तो इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। फिर भी अगर और मुगलाई टच देना चाहें तो और किसी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, वैसे भी कैसा नहीं है लेकिन मुगलाई कौरमे में क्रीम डलती है। अच्छा ये जा रहे हैं टुवर्ड्स सैलेड, ठीक है जी। बस गोश्त हम गला लेंगे जल्दी से, फिर इसको ओवन में बेक करना है। तो टुवर्ड्स सैलेड, तो सैलेड के लिए प्याज लाजमी है। कट इट इनटू द टू पीसेस देन स्लाइस। नाइफ रखिए तेज, नाइफ जितनी तेज होगी उतने कम चांस होंगे आपके हाथ के कटने के। नाइफ तेज ना हुई तो हाथ कटता है, तेज नाइफ से हाथ नहीं कटता, नाइफ तेज नहीं होती तब कटता। तो एक और प्याज भी, खीरा भी, काफी चीजें इसमें बढ़ते हैं। अच्छा प्याज का इस्तेमाल कोशिश करें ज़्यादा करें आप, आपको अपनी तरफ से भी आप चीज़ों में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अंडा बनाते हैं आप ऑमलेट, उसमें प्याज ऐड करें, और ज़रूरी नहीं कि उसमें बिल्कुल आप ब्राउन कर लें, हल्का कच्ची पक्की रखें ताकि सेहत के लिए भी अच्छी हो। सुबह के टाइम अंडे में आप ऐड करें प्याज, लहसुन आप मिलाएं वो भी अच्छा है। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है दुनिया में जहाँ के लोगों की एज कम होती है, ठीक है जी, जहाँ के लोगों की एक अफगानिस्तान है जहाँ के लोग ज्यादा इतना लंबा जिंदा नहीं रहते, मेरे ख्याल से औसत एज वहाँ की 55-57 इतनी है, ठीक है जी। प्याज कट की, अच्छा एक वक्फे की जानिब जा रहे हैं, छोटा सा ब्रेक होगा ये आपको दिखाते हैं। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ओवन में बेक करने हमारे ये गोश्त वाले चावल ओवन के अंदर, बाकी प्रोसेस जारी है। ब्रेक और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम सफर जारी रखेंगे जी, तो देखिए एंड लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर शो, और ठीक है जी वेलकम बैक टू आवर शो। और लेकिन ये शो यार ऐसे भी हमारी थी लेकिन अभी आपकी हो चुकी है, और ये आपको अगर दिखाएं तो ये देखिए ज़बरदस्त गल चुकी है जी, ठीक है जी। और शहर कराची से हमारे एक ज़बरदस्त डायरेक्टर साजिद साहब भी मौजूद हैं, थैंक यू साजिद साहब। साजिद साहब ये कहते हैं कि सच्चे दिल से अगर एफर्ट्स किए जाएं तो लाइफ बदलती है, जरूर बदलती है। अच्छा गोश्त हमारा जस्ट अबाउट रेडी, तकरीबन गल चुका है, दम की बेकिंग ट्रे मौजूद है, हल्का सा ऑयल आपने इस तरह से ग्रीस करना है, कुछ इस तरह से
हल्का, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना था कि गोश्त लगे ना सरफेस पे। और उसके बाद ये गोश्त नहीं, हम ओवन में इसके अंदर ऐड करें जी, स्ट्रे के अंदर, ठीक है जी। ये सब मसाला आपने ऐड करना है, गोश्त बिल्कुल गला लिए, जबरदस्त। उसके बाद ये, अच्छा उसके बाद ये जो उबले हुए चावल है हमारे पास, ये बॉइल्ड राइस इसके ऊपर बिछा लेंगे जी, ठीक है जी, इजाजत है, उबले हुए चावल बिछा लीजिए। ये दिलों के मामले हैं नाजुक। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम मिसेस हसनैन जी। जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जब आपकी कॉल आती है तो हम कैसे हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हो जाते हैं। सही, ये बात सच है। सही, अभी आप क्या बना रहे हैं? मुझे बहुत सही लग रहा है ये आज। ये अच्छा मिसेस हसनैन, ये क्या कर रहे हैं कि ये गोश्त का हमने कोरमा बनाया था, कोरमा टाइप का जी। अच्छा, फिर उसको हमने ये बेकिंग ट्रे में बिछाया और उसके ऊपर ये उबले हुए चावल रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो इसको क्या कहेंगे, कहते क्या है उसको? ये कोरमा जो गोश्त वाला बनता है ना, या हाँ मटन का या बीफ का। अच्छा। उसको बेकिंग ट्रे पे बिछाया, हाँ, उसके ऊपर चावल और कुछ चीजें रख के उसको एल्युमिनियम में कवर करके ओवन में रखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, दम इसका अलग अच्छा आएगा, मजे का आएगा। अच्छा सही, जबरदस्त, बिल्कुल। आपने क्या बनाया? मैंने आज वो बनाई थी, क्या क्या बनाया था, कड़ी बनाई थी, कड़ी। क्या बात है, जबरदस्त, कड़ी कड़ी बनाई थी आज। सही है सही है। और हसनैन साहब कैसे हैं? हसनैन साहब बिल्कुल A1, ठीक ठाक, खैरियत से, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और कुछ कहेंगी जी? बस सही है, सही वो जा रहा है। कोई प्रोग्राम आप करें, बुला ही नहीं रहे हैं, आप क्या करते हैं? मैं बहुत, मेरा दिल है आपके साथ शो करें, इंशाल्लाह करेंगे किसी दिन। अच्छा चलो ठीक है। हाँ बहुत, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खैरियत से रहें आप। आमीन, अल्लाह खुदा हाफिज़। अच्छा ये इसके ऊपर धनिया बिछाया और ये कुछ हरी मिर्चें भी बिछा रहे हैं जी, कुछ हरी मिर्चें भी इसके ऊपर डाल लें जी। और ये एल्युमिनियम फॉइल से क्विकली कवर करना है, लास्ट 5 मिनट बाकी है। ठीक है जी, इस तरह एल्युमिनियम फॉइल से ऐसे भी या ऐसे भी। इसका दम बहुत मजे का आएगा, पतीले की बिरयानी से मैं कहूंगा ये ज्यादा अच्छा बनेगा अगर इसको अच्छा दम आ जाए तो। कोशिश कीजिएगा कोई भी जरा सी भी जगह बाकी ना रहे स्टीम इसके बाहर ना निकले। यहाँ जगह है तो इसको मैं यहाँ और कवर कर रहा हूँ मजीद। ओवन की तरफ चलते हैं जी। ठीक है जी, अच्छी तरह कवर करने के बाद ओवन की तरफ चलते हैं। ओवन बहुत गर्म है अच्छी तरह से और इसमें ये हमारे ये चावल ऐड कर। ठीक है जी, और ये लास्ट 5 मिनट बाकी मेरे ख्याल से, तो एक सलाद बनाते हैं क्योंकि जब ये गोश्त कितने मज़ेदार चावल होंगे तो रायता या सैलड कुछ होना ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं ऐसा है? तो सैलड के लिए दोस्तों इसमें प्याज मैंने काटी थी,
लास्ट एक दफा हमने बताई थी कि प्याज को पानी के अंदर ऐड करना था, है ना? तो ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। इस प्याज को इसमें ऐड किया, इस बाउल में या प्लेटर में इसमें पानी ऐड किया, एक तरह से पानी जैसे कितना रिंस धो लेना, एक तरह से वॉश कर, कुछ देर रखिएगा पानी में, प्याज मजे की हो जाएगी। ओके, बाकी दीगर वेजिटेबल कुकुम्बर खीरा, ठीक है जी, देख लीजिए कुकुम्बर खीरा इसके दो पीस किए, उसके बाद ये चार पीस, ठीक है, और इस तरह काट लीजिए। ठीक है जी, अच्छा इसमें कुछ धनिया भी ऐड कर रहे हैं, यही मिक्स कर लीजिए, कोई इस बात नहीं। टमाटर और ये भी जरा रफ काट लीजिए। एक आपने खाया हो सकता है फाइव स्टार होटल्स में, कहते हैं पाकिस्तानी सैलड उस टाइप का ही। एक अदद ये विलमेक्स का बाउल है, इसमें हम ऐड करते हैं एक कप दही, वन कप दही, दही के अंदर ये नमक, धनिया पाउडर एक चुटकी, गरम मसाला पाउडर, बीट इट वेल एंड जी। ये कि छोटे साइज का प्लेटर है, इसमें पहले हम ये इस तरफ ये प्याज रखिए, एक तरफ प्याज, प्याज के बाद ये देख रहे हैं प्लेटर में आप, एक तरफ प्याज रखी, प्याज के बाद यहां पे रखी हमने टमाटर, इसके एज पे मजीद प्याज जो ये पानी के अंदर सोक कर देते हैं, देख रहे हैं आप। उसके बाद ये क्या करना है, सिर्फ दही के ऊपर ये प्याज के ऊपर ये दही ऐड करना पेंटा हुआ इस तरह से, यहां भी और यहां भी। सलाद पत्ता इसके एज पे, अच्छा जो ओवन के अंदर हमने रखा है, चलते हैं कुछ ही देर में से बाकी चीजों को रिमूव कर दें। चावल आप उसे मजीद रखिएगा, मजीद यानी कि जरा और रखिएगा, तकरीबन 10 से 11 मिनट रखिएगा, हमारे पास वक्त नहीं है, हम निकालते हैं। ठीक है जी, चलते हैं ओवन की जाने पर, निकालते हैं हमारे चावल, खोलें जी, इजाजत है। कवर हटा रहे हैं, देख लीजिए जी, फिर से कहूंगा आप जरा 7-8 मिनट मजे देखिएगा, 7-8 मिनट मजे देखिएगा। हटाएं जी, ये लाला साहब जैदी साहब भी दिखा रहे होंगे, देखिए इसका कवर हटाते हैं। ये देख रहे हैं आप, अब देखिए ऊपर चावल है और नीचे इसके सरफेस पे से
चलिए आपको जरा दिखाते हैं। अगर आप गोश्त भी निकालेंगे ना, देखिए गोश्त बहुत अच्छा गला लिया था। ये देखें, एक ही गोटी भी इसकी बिल्कुल जबरदस्त गल गई है। कुछ हड्डियां भी हैं, गोश्त भी है। और ये देखिए आप, बिल्कुल ये टेंडर हलवा हो चुकी है गोटी भी। क्या बात है, बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना। ठीक है जी, ज्यादा मिक्स नहीं करना चाहिए। इसी में इसकी प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, अलग भी निकाल दें। ये देखें बिल्कुल ये रोटियां सॉफ्ट हो गई। इसके एज पे, इसके एजेस पे इस तरह एल्युमिनियम फॉइल रख लीजिए। तो ये एल्युमिनियम फॉइल जो बची हुई है, लास्ट दो मिनट है, इसके एजेस पे आपने एल्युमिनियम फॉइल इस तरह रख लीजिए। और यहाँ इस तरह इसी तरह प्रेजेंटेशन की जिस तरह प्लेटर में, लेकिन आप दम मजीद रखिएगा 11-12 मिनट मजीद, विच विल मेक इट मोर स्पेशल। हमारे यहाँ ये बीफ बेग मसाला राइस, चलिए आपको हाथ से आपको दिखा देते हैं। लोग जैसे गला नहीं गला, देखें बिल्कुल हलवा हो गया, देखें मजे का। गार्निश के लिए जरा सा धनिया, सलाद भी चाहे तो स्प्रिंकल कर सकते हैं, और तो इतनी जरूरत नहीं है, बट एक बुढ़िया मौजूद है उससे। ठीक है जी, आप ले रहे इजाजत, क्योंकि खाना हमें एंजॉय भी तो करना जी। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, शादोआबाद रहें, दुखी रहने से आप भी की जिंदगी हो सकती है बर्बाद। स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।